हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों साल 2021 हो चुका है शुरू। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए सफलताओं भरा हो। दोस्तों नया साल शुरू होने के साथ साथ ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है भारतीय बैंकिंग सिस्टम में 5 बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हुए इन 5 बड़े बदलावों का आपके डेली बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर क्या होने वाला है असर, आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। मैं आपको इन 5 बड़े बदलावों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। दोस्तों सबसे पहले और बड़े बदलाव के बारे में अगर हम बात करें जो आरबीआई ने अनाउंस किया है इंडियन बैंकिंग में, तो वो है पॉजिटिव पे सिस्टम का। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने जो है पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च कर दिया है चेक रिलेटेड फ्रॉड्स को रोकने के लिए। दोस्तों पिछले बहुत सालों से चेक रिलेटेड फ्रॉड्स के इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। जब भी पिछली बार आप मतलब आज से पहले यानी कि 2021 से पहले जब आप चेक इशू करते थे, तो उसके लिए जो दोस्तों हैं आप चेक को डायरेक्ट इशू कर सकते थे, आपको जो है डिटेल्स को वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं होती थी बैंक में। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप चेक इशू करते हैं लगातार डेली, अगर आप यूज करते हैं चेक्स का और अगर आप चेक से पेमेंट्स करते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर का अगर आप अब आप चेक इशू करते हैं, तो दोस्तों आपको जो अपनी चेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जैसे कि चेक नंबर, किस डेट को आपने ये चेक इशू किया है और कितने अमाउंट का चेक है और किसके नाम पर आपने ये चेक इशू किया है, ये सारी जो की डिटेल्स हैं आपके चेक की, ये आपको जो है दोस्तों क्रॉस वेरीफाई करवानी होगी अपने बैंक में, यानी कि इन सभी डिटेल्स को आपको रिकन्फर्म करवाना होगा चेक इशू करते के साथ ही। दोस्तों अब दोस्तों इसे वेरीफाई करवाने के लिए आपको जो है सभी बैंक अलग अलग 4 या 5 तरीके के ऑप्शन देंगे, जैसे कि एसएमएस, ईमेल बैंकिंग, साथ साथ में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। कुछ बैंक्स ने ऑलरेडी मतलब 1 जनवरी 2021 से ही इसे इंप्लीमेंट करना था, तो कुछ बैंक्स के ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। जैसे कि अगर जो आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो वहां पर दोस्तों मोबाइल बैंकिंग यानी कि आई मोबाइल ऐप में जाकर के चेक जब आप इशू करते हैं, तो उस टाइम पे जो है आप आई मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाकर के अपने चेक की फ्रंट फोटो, बैक फोटो और साथ साथ में अपना चेक नंबर, कितना अमाउंट है, किसे आपने ये चेक इशू किया है, ये सारी की डिटेल्स जो है वो आप आई मोबाइल ऐप में जो है जाकर के सबमिट कर सकते हैं और वहां से जो है इस डिटेल्स को आप वेरीफाई करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 50,000 से ऊपर के अगर आप चेक इशू करते हैं, तो ये कस्टमर्स के ऊपर छोड़ा गया है कि वो पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपके चेक की वैल्यू जो है अगर 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा फिर आपको पॉजिटिव पे के सिस्टम के तहत जो है अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करवाना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी पहली और सबसे बड़ी मेजर बैंकिंग अपडेट जो कि 2021 में हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों दूसरी बड़ी बैंकिंग अपडेट की अगर हम बात करें, तो वो ये है कि कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की जो वो लिमिट है वो 2,000 रुपए से बढ़ा करके जो है अब 5,000 रुपए कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2020 तक जो है कॉन्टेक्टलेस कार्ड अगर आप यूज करते थे, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं जिन पर वाईफाई का साइन बना हुआ होता है, तो वहां पर जो है अगर आप रिटेल आउटलेट्स में जाकर के अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज करते थे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स के लिए, तो वहां पर आपको 2,000 रुपए तक की लिमिट मिलती थी। लेकिन अब जो है आरबीआई ने से बढ़ा करके 5,000 कर दिया गया है। दोस्तों रीजन इसके पीछे ये दिया गया है कि अभी कोविड का समय चल रहा है, तो डिजिटल पेमेंट्स को जो है भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसी के तहत जो है ये कदम उठाया गया है जिसमें आपको अब 2,000 की जगह 5,000 रुपए तक की लिमिट कर दी गई है। आप टैप एंड पे का यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्टलेस कार्ड के जरिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड और डेबिट कार्ड रिलेटेड अगर आपने कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स इनेबल कर रखी है, तो फ्रॉड बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स को जो है अपने वॉलेट को वॉलेट में तो रखें, लेकिन उसे अपने बैक पॉकेट में ना रखें जब भी आप कहीं रिटेल आउटलेट्स या फिर मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस भी अब जो है बढ़ जाएंगे। 5,000 रुपए तक जो है सीधे आपके कार्ड से डेबिट हो सकते हैं। तो ये थी दोस्तों दूसरी बड़ी हमारी मेजर अपडेट। दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट की अगर हम बात करें, तो जो एनपीसीआई है यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन को संभालती है, 30% तक की यूपीआई ट्रांजेक्शन कैपिंग लिमिट लगा दी है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के ऊपर, जैसे कि गूगल पे और फोन पे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो थर्ड पार्टी प्लेयर्स हैं वो 1 महीने में भारत में जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे जनवरी 2021 से, उसका सिर्फ जो है 30% तक के ही ट्रांजेक्शन जो है अपने प्लेटफॉर्म से करवा पाएंगे। दोस्तों ये न्यूज आने के साथ साथ ही इससे रिलेटेड बहुत सारी फेक न्यूज भी आई गई कि यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर यूजर्स से चार्ज लिया जाएगा 30% तक का, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बना
बना दिया है। क्या है ये 30% तक की ट्रांजेक्शन कैपिंग लिमिट और कैसे ये अप्लाई होती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के ऊपर, आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंड यूजर्स यानी कि आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं गूगल पे और फोन पे जैसी एप्लीकेशन से। तो ये थी हमारी तीसरी बड़ी अपडेट। दोस्तों चौथी बड़ी अपडेट के बारे में अगर हम बात करें बैंकिंग से रिलेटेड 2021 में, तो जो है दोस्तों अगर इंडिया पोस्ट में अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपीज का जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप एक एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के यूजर हैं दोस्तों तो भी आपको वहां पर 500 रुपए जो है अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। दोस्तों पांचवी और आखिरी अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो आरटीजीएस पेमेंट्स को जो है अब 24/7 अवेलेबल कर दिया गया है, यानी कि 24 घंटे जो है अब आप आरटीजीएस पेमेंट्स कर पाएंगे। पहले जो आरटीजीएस पेमेंट्स का टाइम था वो सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक था, तो आरबीआई ने इसे भी अब चेंज कर दिया है, इसे आईएमपीएस की तरह ही बना दिया गया है। अब आप 24/7 जो है आरटीजीएस पेमेंट्स कर सकते हैं जिसमें कि आप 2 लाख या उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और काम का लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले जरूर से लाइक कर दीजिएगा, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहने का। साथ ही साथ अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।